माननीय नेता सदन की मैंने बात सुनी और वो लगा कि थोड़ी देर के लिए लगा कि वो MBBS डिग्री हासिल किए हुए हैं, डॉक्टर लगे। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के बारे में उन्होंने चर्चा की। मैं केवल दो घटनाएं बताना चाहता हूं राजधानी लखनऊ की और इनकी सरकार की नाकामी, इनके हॉस्पिटल्स की व्यवस्था, डॉक्टर्स का इंतजाम। एक पूर्व सांसद वो बता चुके, वो भी भारतीय जनता पार्टी के, बोल चुके भारतीय जनता पार्टी पूरी, तो आप भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे दल के नहीं, आप पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने बेटे को लेकर के आते हैं। उनके बेटे को यह जानकारी मिलती है कि इसका इलाज अगर जल्दी नहीं हुआ तो जान नहीं बचेगी, वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भागे और इलाज के लिए वो एडमिट नहीं करा पाए और उनके बच्चे की जान चली गई। इसका जवाब क्या है डबल इंजन की सरकार के पास? और दूसरा, PGI से लोहिया संस्थान KGMU 9 घंटे एम्बुलेंस में बच्चा बना रहा, 9 घंटे और उसकी जान नहीं बची। ये डबल इंजन की सरकार, ये सरकारी संस्थाओं को इसलिए नहीं मजबूत कर रहे हैं क्योंकि ये प्राइवेट संस्थाओं को बढ़ावा देना चाहते हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी संस्थाओं में गरीब का इलाज नहीं है। अगर ये सरकार बताए, इतने दावे कर रही है सरकार, ये सरकार बताए कि एक जिला अस्पताल बनाया हो जहां पर गरीब का इलाज हो रहा हो, एक जिला अस्पताल, ठीक, चलिए एक जिला अस्पताल जहां गरीब को पर्याप्त इलाज मिल जा रहा हो वो बनाया इस सरकार ने, तो हमें बताया। अभी जिला अस्पताल एक ही होता है। अगली सूचना माननीय मनोज कुमार पांडे जी, पंकज।